नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, गुरु यदि कन्या राशि में जाके बैठ जाते हैं तो क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देंगे, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझेंगे। इससे पहले मित्रों, मेरे एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं वीडियो को और अच्छा बना पाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, समझते हैं गुरु जब भी आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे तो क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देंगे। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है और बुध गुरु में समानता का भाव रखता है, इसलिए जब भी ये यहाँ बैठेंगे गुरु कन्या राशि में तो ये इसकी सम राशि कहलाएगी। यहाँ बैठ के गुरु जातक को बहुत ही विद्वान बना देते हैं। हमने देखा है कि ऐसा जातक काफ़ी विद्वान होता है, काफ़ी सहनशील होता है और काफ़ी सुखी देखा गया है, धन्य धन भरपूर देखा गया है, हर प्रकार के सुख इसके जीवन में होते हैं। जब भी गुरु कन्या राशि में बैठते हैं, जातक को स्वभाव से थोड़ा चंचल कर देते हैं। ऐसा जातक चंचल प्रवृत्ति का होता है, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ पाता, भोग विलास में लिप्त करा देते हैं, थोड़ा सा भोगी बना देते हैं। कई बार ऐसा जातक भोग विलास में लिप्त होकर कई बुरे कर्म भी कर देता है। चित्रकला में ऐसे जातक की बहुत रुचि है जिसके कन्या राशि में गुरु जाके विराजमान रहते हैं। जातक अपने जीवन में अच्छा मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि जातक व्यापार करता है तो काफ़ी यश और लाभ अपने जीवन काल में कमाता है। तो आज हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली, कल हम बात करेंगे गुरु जब तुला राशि में जाकर विराजमान होंगे तो क्या परिणाम देंगे। तो आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।